तो फ्रेंड्स, ये पंकज सर की गाड़ी है। तो देखिए, मैंने चाहे अपनी तरफ से जितना मर्जी एफर्ट लगाया हो, बट इन द एंड इट इज़ अप टू द कस्टमर कि उसको पसंद आया कि नहीं आया। क्योंकि अगर कस्टमर को अच्छा लगा है तभी पैसा वसूला, नहीं तो सब कुछ वेस्टेज है। तो सर आओ, इनसे पूछते हैं कि इनको सेटअप कैसा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि मेरे को साउंड्स का, मेरे को बेस इतना, मेरे को मतलब स्ट्रॉन्ग है इन चीज़ों का कि मतलब मैं चाहता हूँ मेरे गाड़ी में सबसे बेस्ट से बेस्ट सिस्टम लगे। तो इससे पहले मेरे पास दो गाड़ियाँ थी, स्विफ्ट है मेरे पास, ब्रेजा है। तो उसमें मैंने जितना भी बार मैंने दोनों में सिस्टम रखवा रखा है, तो वो मैंने 28 से रखवाया था, बट मेरे को उसमें साउंड क्लैरिटी इतनी खास नहीं मिली, बट लेकिन कॉस्टली भी काफ़ी पड़ा था वो। तो मतलब कह सकते हो कि उन्होंने बस एक तरह से लूट मचा रखी थी। तो मेरे को काफ़ी शौक था, मैंने सोचा न्यू कार लूँगा, अब मैं किसको ढूँढूँ। तो मैंने यूट्यूब पे इनका देखा था, कार रेबल ऑडियो करके है, गुरु करके, तो वहाँ से मेरा इनके साथ कॉन्टैक्ट हुआ। तो इन्होंने बोला था कि सर एक बार आप आइए, मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए, तो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा ये मेरी न्यू कार है, अब मैं डायरेक्ट आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ, तो मेरे को बेस्ट से बेस्ट चीज़ इसमें चाहिए। तो इन्होंने बोला सर ठीक है, आपको क्या क्या चाहिए। मैंने इनको, वैसे मेरा मेन बेसिक सिस्टम था, तो मैंने इनको बोला ठीक है, आप ऑल ओवर गाड़ी आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ। तो इन्होंने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे को सीट कवर्स इन्होंने इतने बेस्ट क्वालिटी के दिए हैं कि मतलब पूरी बकेट फिटिंग है ना, कहीं से आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और दूसरी बात, जो इन्होंने सिस्टम हमारे अंदर रखवाया था उसकी कहीं से वायरिंग नहीं निकली हुई, सबसे बेस्ट मेरे को ये लगा था। तो पहले तो मेरे को सुबह यही हो रहा था कि भाई खर्चा क्या होगा, इन द एंड रिजल्ट क्या होगा। बट लेकिन जब मैंने शाम को, मैं सुबह इनको देकर गया था और मेरे को शाम को गाड़ी मिल गई थी, मैं शाम को सीधा गाड़ी लेने गया था, तो इन्होंने एंड में मैंने देखा, तो पहली बात तो मेरा गाड़ी देखकर मेरे के अंदर के इंटीरियर जितना इन्होंने करके दे दिया वो एकदम बेस्ट दे दिया। प्लेयर इतना बेस्ट लगाया इन्होंने, और इंटीरियर आप देख सकते हो 70 मैट्स लगाए हैं इन्होंने, और सीट कवर्स बकेट फिटिंग है। तो और ये भी स्टाइलियन के लगे हुए हैं, तो इतना बेस्ट इन्होंने दिया। बट लेकिन मेरा मेन सारा ध्यान मेरा जा रहा था कि अब भाई एंड में मेरा ऑडियो कैसा रहेगा। तो जब मैंने ऑडियो सुना था तो बस उसके लिए तो मैं बोल सकता हूँ कि बस एक बारी को मेरी आंखें ही बंद होगी कि मतलब क्या ऑसम ऑडियो इन्होंने डाला। तो पहली बात तो मेरे को यही था, जब ऑडियो मैंने सुना तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई मेरा 28 में स्विफ्ट में डला तो पक्का उससे ज़्यादा कॉस्टली होगा। बट लेकिन जब मैंने इनसे प्राइसिंग की थी तो वो काफ़ी ज़्यादा, उनसे तो बहुत ही 50% से भी कम निकली, तो उससे भी मैं काफ़ी खुश हुआ। और जब मैंने ऑडियो सुना तो मतलब आसपास के भी लोग बोल रहे थे भाई कहाँ से लगवा लिया ये सिस्टम। तो मतलब मैं यही बोलता हूँ कि एक फैमिली कार थी, तो अगर आप इसके अंदर बैठ के इंटीरियर के साथ एक बार साउंड क्लैरिटी देखोगे तो फुल ए टू जेड साउंड क्लैरिटी, ए टू जेड बहुत अच्छी है। तो मैं तो बस आपको यही बोलूँगा कि एक बार अगर मेरी मान के चलोगे, देखो मेरी भी गाड़ी है आपके पास भी गाड़ी होगी, तो आप भी एक बार इनसे सेटअप करवा के देखोगे, आई डेफिनेटली श्योर हूँ कि भाई आपको पसंद आएगा। अगर नहीं आया तो रिफंड मेरे से ले लेना, इतना तक मैं श्योर हूँ। तो एक बार आप इनसे कॉन्टैक्ट करो, इनका यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करो, कार रेबल ऑडियो करके है गुरु करके, तो उनको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एक बार ट्राई देने की सोचो, बस एक बार, मतलब एक बार इनसे मिलो, एक बार देखो इनकी और भी गाड़ी है। मेरी एक स्विफ्ट भी है अभी, जो मैंने स्विफ्ट का जो मेरा पुराना था उसको मैंने अपडेट भी इन्हीं से करवाया है, उसका भी मैं आपको रिव्यू अगले वीडियो में दूंगा। वो मेरी वीडियो नेक्स्ट वीडियो होगी वो स्विफ्ट की होगी, और उसमें हमने काफ़ी हाई एंड ऑडियो सेटअप किया है, उसमें सबवूफर भी है, मतलब वो थोड़ा सा, मतलब कि जो बंदा थोड़ा फ्लॉन्ट करता है अपने सेटअप को कि हाँ मैंने अच्छा सेटअप लगवाया हुआ, तो वो थोड़ा उस टाइप का है, तो उसकी वीडियो भी आएगी, नेक्स्ट वीडियो वही होगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, एंड सर का रिव्यू आपने सुनी लिया। तो मेरे हिसाब से तो आज तक मेरे पास 3-4 गाड़ियाँ पहले भी रह चुकी हैं, और मैं अपने फ्रेंड्स को भी कह चुका हूँ, और वो भी इनके पास आने वाले हैं। तो बट लेकिन मेरे को ऑसम लगी है एकदम, मैं तो थैंक यू बोलूँगा सर को, और तो कुछ नहीं कह सकता। मतलब मेरे लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ एवरीथिंग, उससे ऊपर कुछ नहीं है। इन्होंने सब अपने तरीके से, जैसे हम कस्टमर हैं, इन्होंने अपनी गाड़ी समझ के किया, ना कि ये कि किसी और की है ना। और ऊपर से सबसे बड़ी बात, मैंने इनको हैंड ओवर की थी तो मेरे को ये था कि भाई जिनसे फिटिंग करवाएंगे तो स्क्रैचेस ना लग जाएं, ये ना लग जाएं, न्यू कार है। तो उसमें मेरे को एकदम कहीं भी एक स्क्रैच नहीं मिला, उल्टा इन्होंने अपनी तरफ से इतनी सेफली काम करवाया, और ये खुद खड़े होकर काम करवाएंगे कि मतलब पूरा आपको ए टू जेड काम करवा के मिलेगा। तो दोस्तों अब आ जाते हैं सबसे मेजर अपग्रेड के ऊपर। तो इसमें हमने, इसके अंदर हेड यूनिट नहीं लगा हुआ था, इसके अंदर हमने एंड्रॉयड हेड यूनिट लगाया, और आप देख सकते हैं कि ये कोई कह नहीं सकता कि ये बाहर से लगवाया हुआ है, ये बिल्कुल ही जो पैनल है इसकी, उसके अंदर ये हेड यूनिट है। और आप देख सकते हैं कर्व्स वगैरह बिल्कुल OEM फिटिंग है, और ये बहुत अच्छा लगता है देखने में भी। आप ये देख सकते हैं, ये होंडा अमेज का है, ठीक है, ये वही सेम हेड यूनिट है जिसकी जो हर एक वीडियो में मैं डालता हूँ। ये T5 प्रोसेसर वाला हेड यूनिट है, इसमें 16 GB का रोम है, 2 GB का रैम है, एंड इसमें DSP इक्वलाइजर भी है।
और इसकी जो साउंड आउटपुट है वो भी बहुत अच्छी है। और इसके अंदर जो हमने ऑडियो के लिए किया है वो सबसे पहले तो हमने इसके अंदर 3 गेज प्योर कॉपर वायर डाली है एंड ये एंड्रॉयड हेड यूनिट है और इसमें 4 रिबल ऑडियो के मिड स्पीकर हैं और एक फ्रंट में इसमें पायनियर के TS-20 ट्वीटर्स हैं। और एम्पलीफायर इसमें जो हमने लगाया है वो लगाया पायनियर का 6704 एज पर द रिक्वायरमेंट, क्योंकि जिस हिसाब का कस्टमर का टेस्ट था उसके अकॉर्डिंगली ही हमने सारा इक्विपमेंट चूज़ किया था। एंड आई होप कि ये जिनकी गाड़ी है उनको काफ़ी साउंड पसंद आएगा। तो कुछ सॉन्ग्स मैं आपको प्ले कर कर दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो गाड़ी है ये बेसिकली दिस इज़ अ फैमिली का एंड कस्टमर ने खुद ही इनको ड्राइव करना है और उनकी बहुत ज़्यादा कोई सबवूफर का रिक्वायरमेंट नहीं था, उनको बस ये था कि साउंड क्लियर एंड साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड आई बिलीव कि ये जो सेटअप है ये इन्फिनिटी रेफरेंस JBL GTO 609 उसको बहुत ईजिली बाईपास कर जाता है। एंड इसकी साउंड क्वालिटी अगर बात करें तो कुछ लोग तो ये भी बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी कापा के भी पार जा रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत ही अच्छा साउंड कर रहा है। एंड चलिए अब हम कुछ सॉन्ग्स प्ले करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है।
जुत्तियां दी ठक ठक नी वो डसोले जुत्तियां दी ठक ठक नी खोल वे सीने चो ओदी वहली अख नी खोल वे सीने चो ओदी वहली अख नी ओ दिल कान मंगदा हरना गोरियां ते काला जादू करदा नी मुंडा ए बरोन रंगदा हरना गोरियां ते काला जादू करदा नी मुंडा ए बरोन रंगदा हरना गोरियां ते काला जादू करदा नी मुंडा ए बरोन सरकार रिव्यू आपने सुनी लिया तो मेरे हिसाब से तो आज तक मेरे पास 3-4 गाड़ियां पहले भी रह चुकी हैं और मैं अपने फ्रेंड्स को भी कह चुका हूं और वो भी इनके पास आने वाले हैं तो बट लेकिन मेरे को ऑसम लगी है एकदम। मैं तो थैंक यू ही बोलूंगा सर को और तो कुछ नहीं कह सकता मतलब मेरे लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज एवरीथिंग उससे ऊपर कुछ नहीं है। इन्होंने सब अपने तरीके से जैसे हम कस्टमर हैं इन्होंने अपनी गाड़ी समझ के किया ना कि ये कि किसी और की है ना। और ऊपर से सबसे बड़ी बात मैंने इनको हैंडओवर की थी तो मेरे को ये था कि भाई जिनसे फिटिंग करवाएंगे तो स्क्रैचेस ना लग जाएं ये ना लग जाए न्यू कार है तो उसमें मेरे को एकदम कहीं भी एक स्क्रैच नहीं मिला। उल्टा इन्होंने अपनी तरफ से इतनी सेफली काम करवाया और ये खुद खड़े होकर काम करवाएंगे कि मतलब पूरा आपको ए टू जेड काम करवा के मिलेगा तो मतलब आपको शिकायत का तो कोई मौका मिल ही नहीं सकता। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो का क्रेडिट जा रहा है कबीर सिंह को जिनके वाइट सेंटर है। थैंक यू कबीर।